लोकसभा इलेक्शन तक सुप्रीम कोर्ट इस मसले को ना हियर करे तो बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। इलेक्शन के बाद करिए, कौन सा आसमान गिरने वाला है, कौन सा आसमान गिरने वाला है, क्योंकि ये मकसद क्या है कि इलेक्शन से पहले, और ये होते कौन, इनको कैसा मालूम जजमेंट इनके फेवर में आएगा, ये जजमेंट लिखेंगे या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल जजेस लिखेंगे। तो ये तो कंसिस्टेंट बिहेवियर है ना। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर गुजरात में बोलते कि मस्जिद मंदिर की बात करते, प्राइम मिनिस्टर है वो, क्या है बताइए आप। तो ये तमाम हुकूमत की ईमा के ऊपर सब काम हो रहा है। आपने कहा इनका कानून पर कोई यकीन नहीं है, कानूनी रूप से इनके खिलाफ जो है कंप्लेन दर्ज की जाए। अगर मैं यह बयान देता तो क्या करते आप? अगर उनकी जगह पे मेरा नाम आ जाता और मैं कहता कि हिंदुस्तान को सीरिया बना दूंगा, क्या करते आप? पूरे टीवी चैनल 24 घंटे वही दिखाते, केसेस बुक हो जाते, संसद में आवाज उठाई जाती, क्योंकि वो मिस्टर रविशंकर हैं, इसलिए आप तमाम के तमाम लोग उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं प्रयास कर रहे हैं। भाई हिंदुस्तान मुझसे और उनसे बड़ा है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको इख्तियार देता है, सुप्रीम कोर्ट पे सबको एतमाद होना चाहिए, मगर नहीं, खुद फाइन नहीं भरेंगे एनजीटी का और सारी दुनिया को अमन का दर्श देने निकले हैं, और वो भी दर्श नहीं दे रहे बल्कि धमकी दे रहे हैं कि खून बहेगा अगर